दोस्तों, आपका आरके स्टडी चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि पेपर आउट के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है, देखिए वो अब व्यापक पैमाने पर चालू हो गया है। इसमें देखिए, पीएनपी अध्यक्ष के बारे में कुछ कहा गया, अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो क्योंकि बुराइयां आप में भी हैं और जुबान दूसरों की भी है। जैसे पीएनपी अध्यक्ष का ने पेपर आउट नहीं हुआ है, लेकिन उनके वाक्य से ऐसा लग रहा है कि वो भी इसमें शामिल है। और ये देखिए, जो पेपर आउट हुआ था तो साक्ष्य उच्च सब प्रस्तुत किया जा रहा है। फिलहाल तो साक्ष्य काफ़ी हैं और शायद कोर्ट से ही निर्णय हो क्या होगा, क्योंकि पीएनपी अध्यक्ष तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। जैसा कि 16 जनवरी को प्रदेश भर के जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने का ऐलान हो चुका है और हाईकोर्ट में निरस्त कराने के लिए दाखिल होगी याचिका, पीएनपी सचिव को बर्खास्त करने की मांग भी उठने लगी है। ये कल का जो निर्णय हुआ है, यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हमारे अध्यक्ष द्वारा घोषित किया जा चुका है। पुनर्परीक्षा होगी, बल्कि प्रदेश में इस बार इस धंधे में शामिल नकल माफिया गिरोह पर नकल कसने के लिए हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाए। उन्होंने कहा, पेपर जो लीक हुआ है वो परीक्षा धांधली के लिए पीएनपी सचिव मुख्य तौर पर जिम्मेदार है, यानी पूरी तरह से उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है और इसमें वो भी शामिल है क्योंकि वो किसी भी तरह से जांच के खिलाफ भाग भी रहे हैं और कुछ निर्णय भी नहीं दे रहे हैं। और देखिए क्या हुआ, शिक्षक भर्ती रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता हेतु आज कलेक्टर पर प्रदर्शन हुआ है, जैसा कि कल मांग भी हुई थी और उन्हें आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन जब हाईकोर्ट से निर्णय के लिए कहा जा रहा है, तो वो अब लोग हाईकोर्ट जाने की तैयारी भी कर लिए हैं और 16 जनवरी को अब पहले मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा, वो हाईकोर्ट में रिट भी दाखिल की जाएगी। इसमें देखिए, 11 जनवरी 2019 को शिक्षक भर्ती निरस्त करने के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता को लेकर के आज छात्रों ने कलेक्टर पर फिर प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी द्वारा कल मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया और उसी वार्ता को लेकर के आज फिर प्रदर्शन हुआ और आश्वासन से मुकर गए हैं जिलाधिकारी, जिस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है और छात्रों ने अब जंग का ऐलान कर दिया है कि 16 जुलाई को पूरे यूपी के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। और इसी तरह से पेपर निरस्त के लिए अब हाईकोर्ट का रास्ता भी क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। और जनवरी भर में प्रदेश के जिला मुख्यालय पर घोषणा हुई है, तो सभी लोगों से निवेदन ये रहेगा कि सभी लोग अपने अपने जिले के मुख्यालय पर पहुँचें और इस पेपर को रद्द कराने के लिए साथ दें। और इसमें देखिए, एक चीज़ ये भी है कि जो हमारे अधिवक्ता हैं, छात्रों के प्रदर्शन में समर्थन कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद के जो न्यायालय के अधिवक्ता गण लोग हैं माननीय, वो लोगों ने भी समर्थन कर दिया है छात्रों के पक्ष में कि इसमें भारी धांधली हुई है और पीएनपी अध्यक्ष समझ कई लोग गिरोह इसमें सक्रिय है। और देखिए, ये कल के कुल धरना प्रदर्शन की बात है और इसको निरस्त कराने के लिए याचिका अब दाखिल होगा और छात्रों को प्रदर्शन में आकर के अधिवक्ताओं ने जो साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से ये न्यूज़ आप लोगों को तक पहुंचाने के लिए हम अपने अधिवक्ताओं तथा अपने समूह में लगे सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, न्यूज़ अगर पसंद है लाइक सब्सक्राइब करके, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।